हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षेत्रमिति से प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल करने वाले हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्न को मैंने हल किया था, आज मैं प्रश्न संख्या 7 से हल करूंगा। तो आप देखिए प्रश्न क्या है और उसका सोल्यूशन आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। प्रश्न क्या कहा है, जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए प्रश्न को समझना अति आवश्यक है। तो देखिए प्रश्न में क्या क्या है, यदि 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काटकर हटा लिया गया है। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे प्रश्न संख्या ये 7 है आपका, ठीक है, और इसमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, है ना, इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। इसके भीतर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काट के हटा लिया गया, मतलब इसमें से इस तरह का वृत्त काटा होगा और इसकी त्रिज्या इतना होगा, यानी कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इस त्रिज्या वाले वृत्त को काट करके हटा लिया, तो जो शेष भाग बचा यही भाग ना बचा, तो इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और जो पहले से वृत्त था उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और भीतर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट के हटा लिया गया है, तो जो भीतरी वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम r से सूचित करते हैं और वो 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो आपने बाहरी वृत्त की त्रिज्या 10 और भीतरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर देखा, और अब कहता है कि बचे भाग, क्योंकि ये काट के हटा लिया गया बीच से, तो ये जो मैंने रंग दिया है यही भाग ना बचेगा और इसी भाग का आपका क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ये बन गया वलय या फिर रिंग या कह सकते हैं संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि आपको वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वलय का क्षेत्रफल। अब इस वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है कि पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये फॉर्मूला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, यानी कि इस क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित जो जो फॉर्मूला लागू हो गए वो उस फॉर्मूला को मैंने बता रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप विस्तार से समझ सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे वलय का जो क्षेत्रफल है ये होता है क्या, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसको हल करने से पहले इसमें जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन को भी मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है तो इसमें ऑप्शन रहना जरूरी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका 25 पाई है, ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया गया है ये 50 पाई है, ऑप्शन सी जो दिया गया है ये 75 पाई है, और ऑप्शन डी जो दिया गया है ये 3 पाई दिया गया है। अब इसको हल करने के बाद पता चलेगा जो कितना आएगा इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये पाई का पाई रहने दीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए पाई का पाई रहेगा, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 75, और इस 75 पाई इंटू 75 को आप लिख सकते हैं 75 पाई, और आप खुद ही बताइए ये आंसर हो गया ये किस ऑप्शन में है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा ये ऑप्शन सी में है, क्लियर। तो इस तरह से आपने इसका हल देखा। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न 8 में है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, यानी कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है
की वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ दो वृत्त दिया गया है, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और उस वृत्त की परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले है ना आर वन जो दिया हुआ, आर वन का मतलब ये हुआ कि पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या उसको मैं आर टू लेता हूं और ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रश्न में कहा गया है कि इस उस वृत्त की परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर, मतलब कहता है एक और वृत्त है जिसकी परिधि जो है इन दो वृत्तों के परिधि के योगफल के बराबर है, तो जो जो नया वृत्त है उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, सॉरी उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहली वृत्त की परिधि मैं ज्ञात कर लेता हूं। यह परिधि हो जाएगा क्या होता है 2πr, तो r1 की जगह पर r1 क्योंकि मैंने r1 माना है यहां पे, तो यह हो जाएगा 2π × 19, कितना हो जाएगा 2π × 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है 19 × 38π सेंटीमीटर, ये पहले वृत्त की परिधि हो गए। अब दूसरी वृत्त की परिधि कितना, तो देखिए 2πr2 हो जाएगा, तो 2π × 9 यानी कि 9 × 18π सेंटीमीटर हो गया। ये दोनों वृत्त की परिधि ज्ञात हो गया। अब कहता उस वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योगफल के बराबर है, यानी कि नया वृत्त की परिधि जो है वो इन दो वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यानी इतना 38π अजोड़ 18π के बराबर है। अब जो नया वृत्त है उसकी परिधि क्या होगा, तो 2πr होगा, ठीक है, और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 38 × 18 कितना हो जाएगा 8 × 8 = 16 × 3 = 1 = 5 = 56π हो जाएगा, कितना पाई 56π हो जाएगा। अब यहां से देखिए पहले ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं, इधर बगल में ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया गया है 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 29, ठीक है। अब देखिए यहां से आप देखें तो आर बराबर क्या होगा 56π/2π, पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 56 28 बार में कट जाएगा, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो 28, यानी जो नया वृत्त है जिस वृत्त की परिधि ये दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, उस वृत्त के परिधि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये जो नया वृत्त इसकी त्रिज्या क्या, यही पूछ रहा था आपसे, तो ये जो त्रिज्या है कितना 28। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, आप समझ पाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यहां भी दो वृत्त है और इसकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये तो प्रश्न में दिया गया है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो सबसे पहले उत्तर तो पुष्टि हो ही जाएगा, आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं लिख देता हूं। ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 15 और ये सब के सब ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है, प्रश्न नहीं कहा था, ठीक है। अब इसमें देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है और उस एक नए वृत्त की
त्रिज्या पूछ रहा है, जो जिस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्लियर? तो देखिए, जो नया वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या है, आर है ना, मान लेते हैं। और प्रश्न में क्या कहा है उसको समझिए। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा। ये नया वृत्त का क्षेत्रफल और ये आर वन आर टू त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पाई आर स्क्वायर तो रहने दीजिए, और पाई आर वन का स्क्वायर यानी कि पाई का पाई, आर वन कितना है तो आठ का स्क्वायर, प्लस पाई इंटू आर टू यानी कि सिक्स का स्क्वायर। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, पाई दोनों में है पाई कॉमन ले लीजिए, और आठ स्क्वायर प्लस छ स्क्वायर। अब आप यहां से जरा सा देखिए, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर, और यहाँ आठ स्क्वायर है तो 64 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। अब देखिए, आर स्क्वायर 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर बराबर रूट 100 होगा, क्यों, क्योंकि इधर का स्क्वायर हटता है, इधर बदले में रूट चढ़ जाता है, और इसीलिए आर बराबर कितना, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न का हल किया है यानी कि 3 प्रश्नों को मैंने बताया है, वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर समझे, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ते रहता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।